हेलो, मेरा नाम रोहित शर्मा है और मैं कविता लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ और मैं गंभीर रचनाओं पर विश्वास रखता हूँ। मैं गंभीर चीज़ें लिखता हूँ, गंभीर बातें लिखता हूँ। तो आज भी मैं आपको गंभीर रचनाएं सुनाऊंगा क्योंकि माहौल इतना अच्छा मिला है मुझे। ये मंच बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपको बता दूँ कि मुझे पहली बार, मैंने भावना को भी बताया कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि श्रोता अच्छे मिले। बोलने वाला तो अच्छा मिलता ही है, श्रोता अच्छा होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत तालियां आप लोगों के लिए। मैं अपना एक शेर शुरू करना चाहूंगा कि हे ढल रहा सूरज तो ढलने दो, हे ढल रहा सूरज तो ढलने दो, इस आसमां को भी उस अंधेरे के आगोश में सिमटने दो। हे ढल रहा सूरज तो ढलने दो, इस आसमां को भी इस अंधेरे के आगोश में सिमटने दो। सुना है कुछ रातें अक्सर घनी होती हैं उजालों में भी, सुना है कुछ रातें अक्सर घनी होती हैं उजालों में भी, उन रातों में भी अगर मेरे घर एक दिया जल रहा है तो चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो रचना है इसका जो शीर्षक है वो उस रात है। ये महिलाओं पे लिखी गई कविता है, मेरा कवि पाठ है। और ये निर्भया कांड जो हुआ था भारत में जिसने सभी को हिला के रख दिया था, ये उससे थोड़ा सा मतलब एक कहेंगे कि उससे विश्वास रखता है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं शुरू करता हूँ। चाहूंगा कि बिल्कुल हल्ला ना करें और इसे बिल्कुल सुने, दिल से सुने, आप तक पहुंचेगा। मैं शुरू करता हूँ कि उस रात वो सिसकियां उन सारे रास्तों से गुजरी थी जिस रात वहां का हर एक इंसान मर गया था। उस रात वो सिसकियां उन सारे रास्तों से गुजरी थी जिस रात वहां का हर एक इंसान मर गया था। बचे थे तो कुछ हैवान जो उस रात को और काला कर रहे थे। उस रात उसका दिल वहां की जिंदगी से भी तेज धड़क रहा था। जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होने लगता है ना तो दिल पहले धड़कता है क्योंकि दिल दिमाग सब जुड़े होते हैं। तो उस रात उसका दिल वहां की जिंदगी से भी तेज धड़क रहा था। होना था कुछ बुरा, शायद वो खटक रहा था। वो धीमे धीमे समझ तो पा रही थी पर रात कुछ ज्यादा ही घनी थी और इसलिए वो बाहर के उजालों में भी नहीं देख पा रही थी। उस रात वो हाथ पैर तो चला रही थी। जरूरी कोई भी इंसान अगर किसी परेशानी में फंसता है तो हाथ पर जरूर चलाता है या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करता है। तो उस लड़की ने भी वही किया। वो उस रात वो हाथ पैर तो चला ही रही थी पर शायद खुद को बचाने में असहाय थी, कमजोर पड़ गई। जो इस देश में है पूज्य चांडाल काल का, वो जाने की उस रात द्रौपदी बन गई। उस रात वो सन्नाटों को चीरती हुई उसकी आवाजें एक अनहोनी को दस्तक दे रही थी। दस्तक जिसने आपके मेरे सबके दरवाजों को खटखटाया। उसकी वो चीखें जैसे सबको जगाना चाह रही थी पर उस रात नींद इतनी गहरी थी कि उसकी चीखों की आहट भी नहीं आ रही थी। अब देखिए कि ये रात का हो गया, अब हमारी नींद कब खुलती है? जब सुबह होती है। और उसके बाद कब खुलती है? जब पेपर घर में आता है, जब हमें पता पड़ता है कि हुआ क्या है। तो सुबह जब उसकी इज्जत का तमाशा उस कलम की शाही ने अखबारों के पहले पन्ने पे उकेरा, बस तब हमारा खून खोला। लिए तख्तियां सब घरों से बाहर आ गए और जो डरते थे पल भर के अंधेरों से भी, वो उजालों में भी मोमबत्तियां लेकर घरों से बाहर आ गए। बस अब अंत था, माथे पर कलंक था, उस लड़की के नहीं, इस देश के, इस विश्व के। तो बस अंत था, अब माथे पर कलंक था। वो सब दुकानों पर, चौराहों पर, छतों पर, नुक्कड़ों पर मेरी उस रात का तमाशा बना रहे थे।
उस रात की गपशप किए जा रहे थे। हम लोगों ने सबने यही किया, मैंने सोशल मीडिया सब जगह उस समय भी यही पढ़ने को मिला, वीडियो है क्या कोई, उस नाबालिग ने कैसे करा, उसने सरिया क्यों डाला, क्या हुआ, कैसे हाथे फटी। हम लोगों ने सबने यही बातें करी, हम कुछ कर नहीं पाए, हमने यही बात करी, क्योंकि अगर कुछ कर लेते तो ले पास नहीं हो रहे होते। बस अब अंत था, माथे पे कलंक था, वो सब दुकानों पर, चौराहों पर, गलियों में, घरों में मेरी उस रात की गपशप बना रहे थे। मेरी जिंदगी से मतलब नहीं था उन्हें, मेरी जिंदगी से मतलब नहीं था उन्हें, वो तो मेरे शरीर को कैसे कैसे नोचा उन हैवानों ने, उसमें उत्सुकता दिखला रहे थे। उसने आखिर में कुछ सवाल पूछे और उस पर छोड़ गई कि सिर्फ एक रात हो तो बता दो मुझे, सिर्फ एक रात हो तो बता दो मुझे, तुम थमते क्यों नहीं, ये जता दो मुझे, कब तक चीर चीर के खाओगे मुझे, कब तक चीर चीर के खाओगे मुझे, क्या कुत्ते हो, आखिरी दम तक बतलाओगे मुझे। बहन बेटी शब्द अनजाने ही है ना तुम्हारे लिए, आखिर कौन सा ऐसा रिश्ता बचा जहां मुंह ना मार लिए तुमने। निर्भया, दामिनी, गुड़िया और कितनी कहानियां देश रहेगा, बलात्कार तो मजाक बन गया बेटियों का, ये बताओ अब कौन कोख में इन बेटियों को झेलेगा, अब कौन इन कोख में झेलेगा। एक शेर के साथ अंत करना चाहूंगा, लाइन मैंने आज ही लिखा है और शायद इस पर शूट करता है, कि मैं जमी मैं दफ्न मुर्दों से बख्शी से इनाम चाहता हूँ, कि मैं जमी में दफ्न मुर्दों से बख्शी से इनाम चाहता हूँ, खाली कर दो कुछ कब्रें। मैं जमी में दफ्न मुर्दों से बख्शी से इनाम चाहता हूँ, खाली कर दो कुछ कब्रें, यहाँ मैं इंसानी हैवानियत को गाड़ना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सुनने के लिए, एक बार जोर।